हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और आज का वीडियो फिर से हेज कंडीशन। मैंने कल कहा था मेरे पास पोजीशन है, मैं कल वीडियो बनाऊंगा और पोजीशन मेरे पास कंटिन्यू स्टैंड बाय मोड पे है टिल फ्राइडे, सॉरी फ्रॉम फ्राइडे। सो फ्राइडे से लेके अभी तक मेरे पास ये पोजीशंस थी। फ्राइडे को तीन पोजीशन हो गई थी, मंडे को मेरे पास दो पोजीशन का एड ऑन और हो गया और आज था ट्यूसडे। ट्यूसडे अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ एग्जैक्टली एट 9:16 जब मार्केट ओपन हुआ तो मैं 9,81,000 के माइनस में था। मेरे पास पांच पोजीशन थी। यस, एक कंसेप्ट देखिए, मैं भी कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ। मार्केट में जब लाइव में आप कुछ करते हो तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग होते हैं, थ्योरी अलग होती है, कंसेप्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल मार्केट में कुछ और होता है। सब लोग इस बात को मानते हैं। बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं सामान, ये वो। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अभी हुआ क्या, इसमें आगे से मुझे 95% मतलब 5% का फिर भी बफर लेके चल रहा हूँ। मैं 100% की बात बोल सकता हूँ लेकिन 95% मुझे ऐसा लगता है कि आगे से 5 पोजीशन या 6 पोजीशन नहीं आएंगी, 5 पोजीशन या 6 पोजीशन कभी नहीं आएंगी। 5 बार या 6 बार हेज कभी नहीं करना पड़ेगा वीकली एक्सपायरी में या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। सो जो अभी हुआ, जो लास्ट मंथ में हुआ, जो कंप्लीट मंथ में हुआ, 5 अप्रैल से लेके और अभी तक 15 ट्रेड हो चुके हैं। 16-17 ट्रेड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास फ्राइडे से पोजीशन थी, फ्राइडे को मैंने आप लोगों को शायद दिखाया होगा, फ्राइडे को मेरे पास 3 पोजीशन थी, मंडे को ऐड हुई और आज ऐड हुई। सुबह 9:16 पे 9,81,000, उसके बाद ये गया था 10,75,000 के आसपास, ये मैक्सिमम लॉस में गया था। अब मेरे पास 10 लाख का लॉस है। एक्सपायरी कल की एक्सपायरी है, नज़दीक है। अगर आज भी मार्केट स्टैंड बाई मोड पर रहता कल की तरह, कल क्या हुआ था, थोड़ा सा कॉल चला, थोड़ा सा पुट चला, उसके बाद दोनों के दोनों प्राइस गिरने लगे। मतलब दोनों में थीटा डिके आया, दोनों में ही प्राइस डाउन हुए, दोनों के प्राइस ही डाउन हुए। तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया और मेरा प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ा है। अगर 10-5% पे मुझे निकलना हो तो शायद मुझे 3 ट्रेड करने की जरूरत भी ना पड़े, कभी भी लाइफ टाइम 3 ट्रेड करने की जरूरत भी ना पड़े। इट्स माय चैलेंज एंड अगर मैं शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग और एक्यूरेसी तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। चलिए बात वो नहीं है, बात ये है कि जो मैं कर रहा हूँ 70% 75% प्रॉफिट बुकिंग का वैल्यू, उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, 10.5 लाख तक गया। अब मेरे पास 10 लाख का कैपिटल लूज है। मुझे पता है एक बार मैं 10 लाख पहले लूज कर चुका हूँ, वो मेरी छोटी सी मिस्टेक थी। नहीं तो वो 10 नहीं 5 या 6 का लॉस होता, 10 का नहीं होता है, डेफिनेटली श्योर नहीं। हाँ लॉस हो सकता है, लॉस इसमें भी हो सकता था। आज भी मार्केट ये स्टैंड बाई मोड पे, अगर मैं पोजीशन ऐसे ही छोड़ता और आज कोई नई पोजीशन नहीं आती तो ये लॉस शायद 10 की बजाय अब की बार 12 या 15 लाख रुपये का होता। कल थोड़ा बहुत मार्केट चलता ऊपर नीचे होता तो मे बी 10.5 वही पुरानी पोजीशन की तरह, उस टाइम भी 5 पोजीशन थी, उसमें भी हम इसी तरह सफर किए थे और आज भी ऐसा ही होता। बट स्टिल नहीं हुआ। अब उसमें हुआ क्या कि 10 लाख की कैपिटल बचाने के लिए आपको चाहिए क्या अमाउंट। मैंने 30% अमाउंट जो भी मैंने कैपिटल इन्वेस्टेड था उस कैपिटल का 30% अमाउंट और इन्वेस्ट किया और सिंगल ट्रेड, मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, कोई उसमें 1800 की 3600 क्वांटिटी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ एक ऐड अपनी डायरेक्शन में ऐड की। अभी मेरे पास 5 पोजीशन थी और सरप्राइजिंगली मेरे पास सीई था। सो मैंने सिर्फ एडजस्ट, जैसे सेलर एडजस्ट करते हैं, मैंने पोजीशन को एडजस्ट किया एंड देन बिकम 1 घंटे के बाद मार्केट रन किया, मार्केट चला, मार्केट जैसे ही चला एक पोजीशन ऐड हुआ। पहले पोजीशन देख लीजिए, एक पोजीशन ऐड हुआ पुट का। नाउ मेरे पास कॉल और पुट सब कुछ बराबर हो गई थी। अब मेरा लॉस मुझे पता था, अगर मार्केट की कोई भी कंडीशन होगी, किसी भी कंडीशन में मैं 5 या 6 लाख से ज्यादा लॉस करने वाला नहीं हूं इस सिचुएशन में, 6 पोजीशन में। और ये फर्स्ट टाइम 6 हुआ है, पूरे महीने में फर्स्ट टाइम 6 एडजस्टमेंट करनी पड़ी। आगे से 5 पोजीशन क्या मैं 3 से ज्यादा नहीं समझता कि कभी होंगी, बट कोई बात नहीं, 6 पोजीशन हमारे पास हुई, कैपिटल थोड़ा ज्यादा और टोटल 10 लाख का लॉस रिकवर विद इन आवर। अगर पूरा दिन देखिए 10:31 पे एक मूवमेंट आया, मूवमेंट कंटिन्यू स्टेट फॉरवर्ड चला,
मार्केट गिरता चला गया, अब दोनों की पोजीशन मेरे पास, दोनों की पोजीशन इक्वल थी। आप अपने स्ट्रेटेजी टेस्ट या बैक टेस्टिंग में करके देख सकते हैं परसों क्या था, कल क्या पोजीशन था और आज क्या पोजीशन है। अगर मैक्स लॉस होता तो कितना होता, मैक्स लॉस होता तो ये 10% के ऊपर नहीं जाने वाला था। इस सिचुएशन में 10%, 5%, 7% के आसपास ही कहीं कवर होता, और अभी मैंने 4% 5% का प्रॉफिट इसमें लिया, ठीक है। सो ये था हेज पोजीशन का। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा भी पोजीशन आई, ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा पोजीशन नहीं आई। उसके बाद बैक टू बैक, ऑब्वियसली पहले मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था, तो ये टाइम है, मैं टाइम देख लेता हूँ करीब, ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, टाइम इसमें नहीं है, अभी मैंने दूसरे कंप्यूटर पे एक्चुअली वो रन कर रहा है तो वहाँ से मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है। ये पोजीशन आई आई थिंक 1:30 और 2 o'clock के आसपास, 1:30 आया शायद। तो मार्केट मार्केट उस टाइम पे आपने देखा होगा, मार्केट एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रही थी, 50% के आसपास रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर धड़ाम से गिरी। तो पहले पुट हुआ, फिर कॉल हुआ और फिर से पुट हुआ। जब एक स्पाइक आया, जब मार्केट वापस नीचे गिरी, तो उस टाइम पे फिर से एक पुट हुआ। सो अभी मैं राइट नाउ 2 पुट पोजीशन है और 1 कॉल पोजीशन है, वही 15 के आसपास का डिप्लॉयमेंट है। और ये कल के लिए पोजीशन, अब ये 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन अब क्या करेगी ये, कल कल मार्केट चलेगा नहीं चलेगा, मेड एक्शन से अगेंस्ट में अगर खुला तो ये पोजीशन, ये भी लॉस में खड़ा हो जाएगा, 4-5 लाख, 3 लाख समथिंग, ये कुछ लॉस में खड़ा हो जाएगा, बाकी 1 पोजीशन लास्ट है। और कल की ट्रेड अगर ये दोपहर तक, अगर सुबह सुबह कोई प्रॉफिट लॉस आके कुछ रिकवर हुआ और सुबह सुबह पोजीशन मेरे स्ट्रेटेजिकली अगर वो एग्जिट होती है, उसके बाद अगर मुझे टाइम रहता है, पूरा दिन का टाइम रहता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि कोई ट्रेड दोबारा से स्टार्ट करूं। वो बहुत रिस्की पोजीशन हो जाएगी और ऑब्वियसली ये भी हमारे पास 1 ही दिन का टाइम है, तो कल देखते हैं इसमें इस ट्रेड में क्या होगा। और अभी तक नेट में जो भी वैल्यू मैंने आपको दिखाई, उस वैल्यू में अभी हमारे पास एड ऑन्स हो गए हैं। राइट नाउ अगर हम बात करें तो अभी नेट ये आज का है, 107 पॉइंट के आसपास मिला, नेट 33624 समथिंग, 33 के जा चुका है। और अभी कल क्या पोजीशन प्रॉफिट लॉस देगा वो एक अलग मैटर है, कल की पोजीशन में एड ऑन करूंगा। ये 16 पोजीशन है एक इसमें निफ्टी का, ऑब्वियसली तो 15 पोजीशन हमारे पास हो चुकी है, वी आर लूजिंग वन स्टिक ओनली। और डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल वही 9,65,960 टोटल मिला के, तो ये पोजीशन कैपिटल यहाँ पे ज्यादा हुआ है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। और ये पोजीशन जो है, ऐसी पोजीशन को रिकवरी करने के लिए एक्चुअली जब भी आप कोई सिस्टम फॉलो करते हैं, सो एक रिकवरी मोड जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सेम कैपिटल को आप डिप्लॉय दोबारा से करते हैं रिकवर करने के लिए। बट अपना ऐसा नहीं है, पहली को रिकवर करने के लिए अगर पहले में 20%, 30%, 40% का, 40% तो कभी हो ही नहीं सकता, देर इज अ नो रीजन, 10-15% का अगर ड्रा डाउन आता है और दूसरा पोजीशन हम हैज करते हैं, तो कुछ घंटे या फिर 1 दिन के अंदर वो पोजीशन पहले तो ब्रेक इवन सेट हो जाती है, पहले तो ब्रेक इवन पे आ जाती है। और अगर डायरेक्शन मूवमेंट हुआ तो शायद दूसरी में प्रॉफिट ज्यादा और पहली में कम, क्योंकि देखिए लूज करने के लिए ऑप्शन बाइंग में एक ही प्लस पॉइंट है जिसको मैं मानता हूं कि जब भी आपको मौका मिलेगा हो सकता है वो 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए और आप उस पर कंटिन्यू कर पाए। अगर कोई प्रीमियम घटेगा तो वो तो एक ही घटेगा, फिक्स प्रीमियम ही लॉस होगा, लेकिन बढ़ कितना सकता है ये कोई नहीं जानता। चलिए बात करते हैं लेवल की, हेजिंग की बात कर चुके हैं शायद 15, ये 16वीं ट्रेड, 16th ट्रेड होगी, 1 महीने में 16 ट्रेड में अभी तक, 15 ट्रेड में अभी तक एक लूज है। अगर ये भी लूज होता तो 16 में से 2 ट्रेड लूज, और ये कंप्लीट मंथ एंड। उसके बाद एक नए सेशन से, मतलब हम परसों से 9th ऑफ मई हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से देखेंगे कि 5 पोजीशन कब आता है और 6 पोजीशन कब आता है। तो हर महीनों दर महीनों मार्केट हर रोज कुछ सिखाती है, हमें भी सीखने को मिलता है, हम भी सीख ही रहे हैं। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इमोशनल और एक अलग ही तरीके का, एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल होता है, उसी को टेस्ट करने की ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वीडियोज़ और चीज़ें, सेलिंग का पार्ट, इसका पार्ट, उसका पार्ट नहीं, ये मेरे अपने नॉलेज के लिए है कि मैं इन वीडियो को प्राइवेट करके कल को मुझे कुछ चेक करना हो तो मैं इनको आराम से चेक कर पाऊँ, उस एक्सपायरी में ये हुआ था, इस एक्सपायरी में ये हुआ था, मेरे लिए भी प्लस पॉइंट है। अगर कोई वैसे ही कोई समझना चाहे तो शायद समझ भी सकता है, वो इसको देख लें। अभी बात आती है,
आज हमारे लेवल्स पे क्या हुआ? ऑब्वियसली मॉर्निंग में डाउन जा रहा था, डाउन ब्रेक हुआ, ठीक, मे बी एंट्री विल बी हेयर, उसके बाद इमिडिएटली मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया, 3 मिनट का क्लोज काफी नीचे था, तो 3 मिनट के क्लोज पे इमिडिएट एंट्री हुई, दोनों में 3 मिनट में कर देता हूँ, सुबह 2 मिनट या 3 मिनट का अर्ली मॉर्निंग जो स्टार्टिंग का ट्रेड होता है वो 2 या 3 मिनट पे इजीली किया जा सकता है, और उसको हम करते भी उसी तरीके से हैं। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। सो प्रोबेबली ये 224 224, ये हमारी एंट्री हुई 9:24 पे, वो हुआ डाउन, ये हुआ अब दोनों में ट्रेड कंटिन्यू। अब जिसमें भी स्टॉप लॉस होगा, ऑब्वियसली पहले यहाँ पे उस ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं होगा क्योंकि वो लाइन के नीचे नहीं आया, और ये ट्रेड कंटिन्यू चलता रहा, दोबारा से पुल बैक, उसके बाद बूम रॉकेट। अब कुछ क्वेश्चन थे कि मैंने ये लाइन यहाँ पे क्यों लगाई। एक्चुअली मैं पुल बैक लेवल देखने के लिए, एग्जैक्टली अगर प्राइस यहाँ से अगर थोड़ा सा पुल बैक करता तो जो भी प्राइस चल रहा होता है मैं उसके आसपास के लेवल देखता हूँ, राइट, उसके आसपास के लेवल चेक करता हूँ कि कौन से लेवल से मार्केट पुल बैक कर रही है, मे बी 469 548। अब ये लेवल है 548 का, देखिए 548, 469 पुल बैक था और मे बी रिवर्स एंट्री था, और ये 548, तो मैंने 548 का एक लेवल लगाया, 548 एक बार पुल बैक, सेकेंड अटेम्प्ट में पुल बैक, और फिर एक बड़ा मोमेंट है, ये भी बड़ा मोमेंट है वो कंटिन्यूसली फॉल्ट हो, शायद इसलिए हम आज दो ट्रेड ले पाए, मल्टीपल ट्रेड आया, मल्टीपल हैज आया, रीजन बींग दैट मार्केट जो कल की कंडीशन थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट में चल पड़ी, और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन, डाउन होने के बाद मार्केट ने दोपहर बाद फिर से एक पुल बैक लिया, मार्केट रिट्रेस करने लगी, एक रिट्रेसमेंट आई अच्छी खासी, फिर से एक स्पीड मूवमेंट, मतलब बड़ा कंसोलिडेशन रहा एक बड़े मूवमेंट के बाद, ये होता ही है जब भी बड़ा मूवमेंट मिलेगा मार्केट एक दिन दो दिन कुछ घंटे कुछ मिनटों के लिए मार्केट को स्टैंड बाई मोड पे या रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आना ही पड़ता है। सो ये पैटर्नाइज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा कैसे होगा उस बात की कोई प्रडिक्शन नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर रहे। चलते हैं निफ्टी की ओर, बैंक निफ्टी, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लेवल्स ऑल टुगेदर, दोनों एक्चुअली मैंने दोनों सील लगा दिया, निफ्टी में भी सेम 181 का लेवल लगाया, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ कंटिन्यूसली वही सेम सिस्टम हियर, वो नीचे आया 155 के SLT लेवल, 116 और समथिंग था, तो 116 के नीचे वेन एवर वी रीच एट हाई कंटिन्यूसली अप। सो ये था लेवल्स, हाउ टू ट्रेड विद लेवल्स, हेजिंग का मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, हमारे पास अभी 3 पोजीशन है और टोटल मिला के 15 ट्रेड, एक परफेक्ट नंबर 15 ट्रेड हमारे पास होंगी, 15 में से या तो दो दो लूज करेंगे या फिर 15 में से एक ही रह जाएगा। मतलब अभी तक मैंने आपको बताया था कि वो भी एक छोटी सी एक मिस्टेक था, वो पोजीशन ऐसे खराब हुआ, अदरवाइज देर इज नो लूज पैरामीटर इन साइट। कैपिटल का डिप्लॉय कितना करना है कैसे करना है, या उसमें भी मैं एक्सपेरिमेंटल फेज में नहीं हूं, मुझे परफेक्टली पता है कि हर बार कैपिटल उतना ही आए वो कैसे हो सकता है, बट स्टिल हुआ क्या है कि प्रीमियम जब मार्केट में काफी बड़ा ट्रेंड आता है तो प्रीमियम काफी सो फार ओटीएम मिलते हैं, दूर के ओटीएम प्राइस ही मुझे देखने को मिलते हैं, अगर मैं 150 का 100 200 का प्रीमियम बाय करने चलूं तो शायद वो इतनी दूर का होगा कि वो जीरो ही होगा, वो ऊपर आएगा ही नहीं कभी, तो रीजन यही है कि ये 300 400 का प्रीमियम हो गया, 600 का भी प्रीमियम आज बाय करना पड़ा, राइट, वो 600 का प्रीमियम मिल रहा था तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसमें कोई रीजन ही नहीं था, मार्केट काफी क्रैश हो चुका था, उस टाइम पे एडजस्टमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे पास 3 पोजीशन सी की थी। सो ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेशन है, फुली कैलकुलेटेड है, मैंने कोई मैनुअल एंट्री नहीं ली, बेसिकली वो एंट्री का पॉइंट 6th ट्रेड पे यही एंट्री वैल्यू आती है, मे बी 500 मे बी 550, और 600 से प्लस आई वो एक अलग मैटर था कि इमिडिएटली मार्केट में मूवमेंट इतना बड़ा आया था कि वहाँ पे प्रीमियम्स जो हैं काफ़ी दूर के थे, काफ़ी बड़े थे, सॉरी काफ़ी बड़े थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और हैज पोजिशन में हम अगले महीने फिर से कंटिन्यू करेंगे, 3 महीने के लिए शायद मैं कंटिन्यू करूँगा, कोशिश करूंगा कि 3 महीने के लिए कंटिन्यू कर पाऊंगा, और 3 महीने का एक अच्छा हमारे पास आउटकम हो, और अगर टोटल मिला के देखेंगे अगर 15 ट्रेड एक महीने में आती हैं तो 45 या 50 ट्रेड की पूरा पूरा चांस है कि 45 टू 50 ट्रेड हो, 50 ट्रेड में 2 3 4 5 जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा, इसमें मुझे कुछ छुपा के, और बहुत सारे लोग बोलते हैं स्प्रेड शीट और चीज़ें, और सुबह की शायद आज की अगर वीडियो लाइव वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो लाइव वीडियो होगी, ये कोई स्क्रीनशॉट या मैनुअल एंटर करके मैंने एक्सेल नहीं बनाई हुई है,
सुबह के स्क्रीनशॉट अगर सुबह की लाइव वीडियो मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टुडे इज सिक्स्थ, कल हमारे पास ये कल की वीडियो है। फ्राइडे को हम एक मिनट देख लीजिए, वो प्रीमियम मैच कर सकते हैं, जो प्रीमियम वहाँ पे है वो यहाँ पे होगा। ये 6 तारीख की है और इसमें मैं म्यूट कर देता हूँ, इसको चलने देते हैं। देखिए 3,18,000 कल माइनस था, नेगेटिव था, उसके बाद कल पूरा दिन एक ट्रेड या दो ट्रेड और आया, एक दो ट्रेड आने के बाद फिर से ये एम टू एम ऊपर नीचे 3:31 से कुछ ये एंड तक, आई थिंक ये एक बार देखिए तीन तीन ट्रेड में एक बार प्रॉफिट में भी आया, मार्केट एक बार डायरेक्शन में गई थी और शायद 25-50 हज़ार के आसपास कुछ प्रॉफिट में भी आया था, बट नॉट मोर देन दैट। ये 25-26 हज़ार के आसपास प्रॉफिट आया था तो उसमें कोई खास वो था नहीं। और उसके बाद फिर ये उसका है, ये सभी डिफरेंट है। ओके एग्जैक्टली आज का वीडियो स्टार्ट नहीं किया था मैंने, वो तीन ट्रेड 5 ट्रेड ऑलरेडी मेरे पास था और 5 ट्रेड के बाद आज एक छठा ट्रेड ही एंट्री हुआ और 10:31 पे वो चला गया, ट्रेड कवर हो गया 2 लाख के प्रॉफिट पे। वो ट्रेलिंग एसएल कटा बेसिकली, मैंने कोई उसमें खुद मैंने कुछ नहीं काटा, तो वो एग्जैक्टली जो प्रीमियम था वो 75%, जो 600 का प्रीमियम लिया था मैंने, वो प्रीमियम 70% 75% गया, वहाँ से 5% का ट्रेलिंग कटा, वो इक्वल होके ही वो 2 लाख आया। टोटल मिला के 12 लाख रुपये टोटल रिकवर किया गया, इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट किया था, 10 लाख के आसपास का कैपिटल टोटल और एड ऑन हुआ था और उस एड ऑन से 12 लाख रुपए टोटल रिकवर हुआ, रिकवर ही मान सकता हूं मैं इसको, 4% का प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट इट डजंट मीन, बट 10 लाख का और सेकंड ट्रेड भी लूजिंग स्ट्रीक होना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ 10 लाख की कैपिटल के साथ हमने टोटल 12 लाख रिकवर किया। मैं तो उस कैपिटल के बारे में बोलता हूँ कि जो मैंने लगाया था उसका 100% आज ले लिया, जो कैपिटल आज इन्वेस्ट किया था उसका 100% ले लिया और पुरानी कैपिटल को सेव कर लिया। तो कैपिटल का मैक्सिमम अगर लूज लूज होता तो आज वो 12-15 के आसपास जा सकता, तो भी हम 20-22-25 के आसपास हम प्रॉफिट में थे, 22-23 के 10 लाख 12 लाख और लूज होता तो, बट नो इस कम्प्लीटली सिस्टमेटिक और जैसे चलेगा जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो एग्जैक्टली आप लोगों को मैं शो करूंगा, दिखाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, ये स्टॉक भी था कुछ स्टॉक की भी आज थी लेकिन सॉरी टाइम नहीं दे पाऊंगा, इट्स अ लॉन्ग बैक। MGL था, काफ़ी बड़ा डाउन, 5% डाउन। ब्रिटानिया भी था, ब्रिटानिया एक बार अप गया फिर पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। गुजरात स्टील, गुजरात लिमिटेड भी था, डाउन साइड था, अप गया, रिट्रेसमेंट होती रही। मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये सुबह के स्टॉक हैं, फिर दोबारा से मैं स्टॉक को नहीं देख पाया। SRF कंटिन्यूसली फॉल डाउन, 11-12 बजे तक फॉल किया, फिर रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से वापस पाए। तो ये कुछ स्टॉक थे और बाकी स्टॉक का मैंने आज वीडियो नहीं बनाया, स्टॉक का मैंने कुछ भी आज नहीं देखा, उसके लिए कल दोबारा से अगर कोई नया वीडियो बन तो दोबारा से देखेंगे। और कुछ लेवल अपडेट हुए थे कई दिन पहले, शॉर्ट टर्म के एंट्री कहाँ पे थी, कहाँ पे आपको करना था, कहाँ तक वापस मार्केट जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कीजिए, जब भी हाई लो बनता है आप इसमें एडिट करवा सकते हैं अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है मेरे क्लाइंट्स में से, मेरे लोगों में से, सो मुझे बताइएगा, ये टाइमली अपडेट हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ें सब लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, सो इट्स नथिंग बिहाइंड दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और कल मिलते हैं दोबारा से फिर से एक हैज पोजिशन कंप्लीट मंथ, टोटल होल मंथ का एनालिसिस, आगे क्या होगा वो भी प्रेडिक्टिव और अनप्रेडिक्टिव कुछ भी होगा वो कल की वीडियो में, शायद थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा बट एक बहुत अच्छा वीडियो कल होगा, मे बी मोर इन्फॉर्मेटिव। पूरे महीने में मैक्स क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में मैक्स क्या होगा, मैक्स लॉसेस कितने होंगे, मैक्स पोजिशन कितना आएगा, मैक्स कैपिटल कितना रिक्वायर होगा, सेम क्वान्टिटी से, क्वान्टिटी नहीं बदलेगी, क्वान्टिटी सेम रहेगी, क्वान्टिटी प्रॉफिट आने के बाद मेरा मानना कि थोड़ी कम कर दी जाए, बढ़ा के बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, हम बढ़ा के नहीं चलेंगे, या तो सेम क्वांटिटी या फिर थोड़ी सी कम, 900 क्वांटिटी या 1200 या 1500 और मे बी कंप्लीट दिस वन। सो कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ, सेम क्वांटिटी के साथ। अभी कैपिटल में कुछ ऐड ऑन हुआ तो वो ऐड ऑन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे,
कभी मार्टिंगल का अपना कोई इरादा नहीं है कि मल्टीपल पोजीशन हो, हर महीने उसको बढ़ाते जाएं और जब लॉस आए, किसी महीने लॉस आए तो इतना बढ़ा जाए। और 3 महीने में ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजी और चेक करने के लिए 3 महीने का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। 3 महीने में मार्केट अपने अच्छे बुरे सारे रुख आपको दिखा पाएगी और हर चीज़ हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं सेम टाइम।